HTML ट्यूटोरियल के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ HTML की बेसिक जानकारी, यानी कि HTML की फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, HTML में हेड, टाइटल और बॉडी क्या होता है, इन तीनों टैग का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। HTML सिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं दूंगा HTML। HTML की कोडिंग करने के लिए फिलहाल में मैं जो एडिटर यूज करूंगा उसका नाम होगा नोटपैड। यानी नोटपैड की फाइल में बेसिक, यानी कुछ कोड है जो है बेसिक की शुरुआती कोड हम नोटपैड की फाइल में करेंगे, लेकिन जैसे दो तीन वीडियो हम कंप्लीट करेंगे फिर हम एडिटर VS कोड का उपयोग करेंगे। यहाँ पर मैं HTML टाइप करता हूँ, ये नोटपैड की फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं HTML यहाँ पर हमारी फाइल का नाम आ गया और ये नोटपैड है। सबसे पहले HTML में आती है HTML, इसे हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, और यहां पर HTML को इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। HTML की ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अब सबसे पहले हम लिखते हैं हेड। अब इस हेड टैग को भी हम क्लोज करेंगे। हेड के अंदर हमारा हमेशा टाइटल आता है, यानी किसी भी वेबसाइट को आप डिजाइन करेंगे तो इसकी जो टाइटल होता है वो हेड के अंतर्गत ही लिखते हैं। तो टाइटल की मैं यहाँ पर टाइटल टैग का उपयोग करूँगा, टाइटल, और इस टाइटल को भी मैं क्लोज करूँगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। अब इस टाइटल के अंतर्गत मैं लिख दूंगा A1 कंप्यूटर सेंटर। फाइल पर क्लिक करके मैं इसे सेव एज करता हूं, और यहां पर देख सकते हैं फाइल का नाम जो HTML है इस बार मैं 02HTML.html टाइप करूंगा और सेव एज टाइप में आप देख सकते हैं यहां से मैं ऑल फाइल लेना है। ऑल फाइल लेने के बाद HTML फोल्डर के अंतर्गत ही मैं जैसे इसे सेव करूंगा, सेव करते ही देख सकते हैं एक ब्राउजर, यानी आपके पीसी में जो डिफॉल्ट ब्राउजर होता है उस प्रकार से एक लिंक बन जाएगी पेज की। जैसे इस पर दो बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज ओपन हो चुका है। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो A1 कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर लिखा था, ये जो हमारी टाइटल थी यहाँ पर शो हो रहा है। तो टाइटल को आपको जब भी लिखना हो आप इस हेड टैग के अंतर्गत ही टाइटल लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँ जैसे कि A1 कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की जगह 143format.com में टाइप करूँ, सेव करूँ, कंट्रोल एस से सेव करना है, इस पेज पर आकर मैं जैसे इसे रिलोड करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 143format.com हो चुका है। दोबारा से मैं ओपन करता हूँ अपने इस नोटपैड की फाइल को। टाइटल के बाद हम देखते हैं बॉडी। तो बॉडी जब लिखना होता है हमारी ये हेड टैग जो है इसके जस्ट नीचे हमारी बॉडी आती है। बॉडी के लिए हम बॉडी टैग कुछ इस प्रकार से टाइप करते हैं। इस बॉडी को जब हमने ओपन किया है तो इसको हम क्लोज भी करेंगे। अब इस बॉडी के अंतर्गत जो भी आपको मैटर लिखना है वो टाइप कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें देना है हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे HTML की कोडिंग कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर जो वर्ड लिखा है अब ये कहाँ पर डिस्प्ले होगा, जैसे मैं इसे कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, सेव करने के बाद इस पेज को मैं रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक कंटेंट शो होगी। रिलोड करते ही आप देखिए हमारी यहाँ पर जो कंटेंट थी यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था। ये हमारा होता है बॉडी। अब बॉडी के अंतर्गत कई सारे एट्रीब्यूट होते हैं जिसके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल में जानेंगे। यहाँ पर मेरी सिर्फ इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मतलब था जिससे मैं आपको समझा सकूँ कि हेड क्या है और इसके अंदर टाइटल कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे क्रिएट करते हैं और बॉडी के अंदर कोई मैटर हम कैसे टाइप करेंगे। HTML के आने वाले ट्यूटोरियल के अंतर्गत हम जानेंगे HTML की और सारी कोडिंग टैग का उपयोग करके एक अच्छे तरीके से वेबसाइट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो HTML ट्यूटोरियल के अंतर्गत आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी साबित हो। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।